सो गाइस फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग आप लोगों के लिए पेश हो रहा है और सिक्किम राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए मेरे को एक महीने के आसपास हो रहे हैं और अलाहाबाद में व्लॉग किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ऐसा सीन था कि एक महीना मेरे को हो चुका है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो भी सिक्किम की जो सीरीज चल रही थी अपनी पार्ट वन पार्ट टू करके इस तरह टोटल 6 पार्ट्स आए हैं सिक्किम राइड 2019 के। तो इसमें एक्चुअली में था क्या कि मेरे को थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो रहा था, तो इसलिए आप भी नोटिस की होगी ऑलमोस्ट एक एक हफ्ते में व्लॉग्स आ रहे थे। सो गाइस अब मैं कोशिश करता रहूँगा कि व्लॉग्स को कॉन्स्टेंटली लाता रहूँ, क्योंकि यार आप सभी लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल फैमिली के मेंबर हो, तो कहीं ना कहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग को टाइम टू टाइम कंटेंट देता रहूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अगर गैंगटॉक सिक्किम जा रहे हैं और अगर हमें सिक्किम से नाथुला जाना है तो नाथुला का परमिट हमको कैसे लेना है, क्या प्रोसेसर है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना टाइम लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं अपनी बाइक से गया था तो मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा। कार का मे भी सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। गर्मी बहुत है गाइस, ब्लॉक के लिए फैन वगैरह सब बंद है। तो गाइस बारिश हो चुकी है और ऑलमोस्ट मैं भीग चुका हूँ, सो इस व्लॉग को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये कहाँ पड़ता है जो परमिट ऑफिस है। सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक के अंदर में एंटर करोगे, आप एमजी मार्ग के ऊपर में जाओगे, तो एमजी मार्ग की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि दो वे हैं एमजी मार्ग में एंटर होने के लिए, एक रास्ता जाता है जो एमजी मार्ग के बैक साइड से जाता है, अगर आप फ्रंट से एंटर करोगे तो आपको आगे ही हमारे महात्मा गांधी जी की मूर्ति दिख जाएगी, वहाँ लिखा होगा गैंगटॉक सिक्किम एमजी मार्ग वगैरह, मतलब आपको जहाँ स्टैचू है महात्मा गांधी जी का वहीं से थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो नीचे की ओर सीढ़ी जाती है, नीचे की ओर आप सीढ़ी से जाओगे तो आप पहुँच जाओगे नीचे एकदम, तो ऐसा कुछ रहेगा वहाँ के ऑफिस का स्ट्रक्चर जहाँ परमिट मिलता है। आप अंदर जाओगे, काउंटर पर जाओगे, काउंटर पर आप बोलोगे कि हमें परमिट के लिए फॉर्म चाहिए और 10 रुपीज़ का फॉर्म की कॉस्टिंग आती है, फॉर्म लोगे उसमें सारी डिटेल्स फिलअप करोगे, डॉक्यूमेंट्स में जो देना होता है, कोई भी अगर इंडियन पर्सन जा रहा है तो उसे अपना या फिर वोटर आईडी देनी होती है या फिर पासपोर्ट, और पैन कार्ड भी चलता है लेकिन आधार नहीं चलता है, अगर वोटर आईडी नहीं है तो पासपोर्ट चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास वोटर आईडी तो था नहीं तो पासपोर्ट से मेरा काम हो गया, तो पासपोर्ट देने के बाद में फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, करीब एक बंदे के 3 या 4 फोटोज रखते हैं, फॉर अ सेफर साइड आप 5 फोटोज कैरी कर लेना। एंड गाइस जो परमिट ऑफिस की टाइमिंग है वो मॉर्निंग की है, बाकी क्लोजिंग 3 बजे परमिट की हो जाती है, जहाँ पे आप परमिट अपना जमा करते हो, पेपर डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते हो, उसका टाइमिंग 3 बजे के पहले रहता है, आप 3 बजे के पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हो, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, 1 घंटे बाद आप आओगे, आपको वहाँ से कुछ रिसीविंग मिलेगी, फिर रिसीविंग लेने के बाद आप एक दूसरा काउंटर जो कि सामने ही है आप वहाँ जाओगे, फिर वहाँ साइन वगैरह होता है, स्टैम्प होता है, कुछ और छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ पूरी होती है, और पुलिस डिपार्टमेंट का जो सिक्किम पुलिस डिपार्टमेंट है वो वहाँ के कोई सीनियर होते हैं एक अच्छे खासे रैंक के, तो उनका वहाँ पर सिग्नेचर होता है उस परमिट के ऊपर, तो वो परमिट आपका वैलिड हो जाता है आपका नेक्स्ट डे के लिए, कि आप कहाँ का ले रहे हो, नाथुला या फिर लाचेन, लाचुंग या फिर गुरु डोंबर, कहीं का भी आप ले रहे हो तो वो नेक्स्ट डे के लिए अलॉट होता है। एंड गाइस आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट दे रहे हो और जो फॉर्म मिला है जिसे आपने फिलअप करके कंप्लीट किया है, उसके साथ में आपको अपने व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स लाइक RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे के सेरोक्स आपको अटैच करके उसको सबमिट करना होता है ऑफिस के काउंटर पे, और फिर आपको वहाँ से कितना बड़ा सा पेपर वहाँ से, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ नंबर्स वगैरह लिख के देते हैं, फिर आपको सिक्किम में बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 5-10 मिनट की ही दूरी है, तो वहाँ आप जाओगे उस रिसिप्ट को दोगे, वहाँ पे एक डिपॉजिट फॉर्म होता है, फिल करके आप 400 रुपीज़ यानी कि 200 पर पर्सन आपको डिपॉजिट करना होता है, ऐसी कुछ इसकी रिसिप्ट होती है जो आप डिपॉजिट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, फिर जब आपको स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से जो रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट को आप वापस लेके आओगे ऑफिस में जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया था। एंड गाइस एक सबसे अमेजिंग बात ये है कि यार जिस दिन मैं गैंगटॉक पहुँचा था जस्ट उसके 2 दिन पहले ही नाथुला का परमिट मिलना चालू हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल की वजह से सारे रूट वगैरह सब बंद थे, काफ़ी ज़्यादा लकी था मैं जो कि एट अ टाइम पहुँचा, जस्ट उसके 2 दिन पहले ही परमिट मिलना चालू हुआ था जबकि पिछले 3 महीने से बंद था। इमेजिन कर सकते हो आप अगर जाने के बाद मालूम पड़ता कि भाई परमिट ही नहीं मिल रहा यार, क्या दिक्कत। एंड गाइस दो सिचुएशन आप लोग को ये भी फेस करना होता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मैंने देखा है कि किसी ने ये बताया नहीं है अभी तक,
क्योंकि मे बी वो फेस ना किए हों या फिर उनको आइडिया ना हो, तो मैंने ये जानकारी भी आप लोगों के लिए निकाली थी। तो एक्चुअली में ये भी सिचुएशन आपको फेस करनी हो सकती है कि जैसे सपोज दैट आप अपने किसी भी फ्रेंड की गाड़ी ले जा रहे हो या फैमिली मेम्बर्स की गाड़ी ले जा रहे हो, तो वो गाड़ी उस फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के नाम से होगी, ना कि आपके नाम से, क्योंकि ड्राइवर या राइडर आप हो उस गाड़ी के और ओनर कोई और है। तो उस जगह पे आप जिस भी शहर से, आप अपने शहर से सिविल कोर्ट से जाके एक एफिडेविट बनवाओगे जो कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनता है एडवोकेट के ज़रिए, उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी कि गाड़ी नंबर क्या है, कौन ओनर है, कौन बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कहाँ जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, तो वो उसमें सारी ए टू जेड डिटेल लिखी होती है। तो ये एफिडेविट बनवा करके उसमें साइन कराना होगा जो कि करेंटली गाड़ी के ओनर होंगे उनसे, फिर उसके बाद वो एफिडेविट आप जमा कर दोगे परमिट ऑफिस में, तो आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा परमिट लेने का। और इनकेस आपका ये भी हो सकता है, जैसे सपोज दैट आपकी आईडी है पैन कार्ड और वोटर आईडी, बहुत से लोगों का होता है कि नाम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, स्पेलिंग शायद छोटी सी हो या फिर कोई भी छोटा सा भी करेक्शन होता है ना लोगों का आजकल की, भाई इस आईडी में दूसरा नाम है, इस आईडी में दूसरा नाम है, सपोज दैट किसी का नाम है राकेश कुमार यादव, तो किसी का आईडी में लिखा हुआ है कि मान लीजिए पैन कार्ड में लिखा है राकेश कुमार यादव और वोटर आईडी में लिखा हुआ है राकेश यादव या पासपोर्ट में लिखा है राकेश यादव, तो यहाँ पे भी एफिडेविट देना होता है जिसमें आपको वहाँ डिक्लेयर करना होगा कि हाँ ये आईडी सेम बंदे की है। तो ऐसा भी डिक्लेयर करके उसमें साइन करके वो भी सेम एफिडेविट आपके शहर से सिविल कोर्ट से बनेगा एडवोकेट के ज़रिए, उसको आप बता दोगे क्या क्या सिचुएशन है, किस लिए हम बनवा रहे हैं एफिडेविट, और जो भी मैटर होगा वो एडवोकेट बनवा के आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वो एफिडेविट जमा करके तब भी आप परमिट को ले सकते हैं। ये दो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, मोस्टली ये लोगों के साथ हो जाता है क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना है, तो इसलिए जो है मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। तो गाइज आप में से कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि अगर हम गैंगटॉक सिक्किम जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी कोई परमिट लगता है, तो इसका जवाब है नहीं, वहाँ के लिए कोई परमिट नहीं लगता है। अगर आप गैंगटॉक सिक्किम जा रहे हो, पूरे इंडिया में से कहीं से भी आप जा रहे हो गैंगटॉक सिक्किम, तो परमिट आपका नहीं लगेगा, बट आपका व्हीकल का प्रॉपर पेपर्स होना चाहिए और आपका आईडी कार्ड्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपकी व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स में लाइक आरसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कि अगर आप गैंगटॉक में एक्सप्लोर कर रहे हो, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है तो आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपने व्हीकल की आइडेंटिटी उनके सामने प्रूफ दिखा पाओ कि हाँ ये गाड़ी आपकी है और आप इसे ड्राइव कर रहे हो। बाकी नॉर्मल जैसे हर जगह ये रूल एप्लीकेबल होता है कि बाहर की गाड़ियों का चेकिंग करना कंपलसरी होता है। होप करता हूँ गाइज आप लोग को ये वाला ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा, और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ निखिल वर्मा, बाय बाय।